नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी देश आगे बढ़ सकता है, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। खाशमपुर में एक सदगुरु सचिदानंद स्वामी जी मूर्ति की स्थापना, विधायक बंडप्पा खाशमपुर शामिल हुए कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीएम बोम्मे ने कहा, सीएम विवाद पर कर्नाटक का रुख जायज, अच्छे नतीजे का भरोसा। कॉलेज के लेक्चरर ने मुस्लिम छात्र को बताया आतंकवादी, छात्र ने सुनाई खरी खोटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मे ने कहा, कांग्रेस पहले अपनी गुंडों की गिनती करे। आपके रावण के जैसे 100 सिर है क्या, पीएम मोदी पर तंज कस के फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। मुस्लिम छात्र को प्रोफेसर ने कसाब कहा तो भड़के ओवैसी। देखते हैं समाचार विस्तार से। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी परिवार और देश आगे बढ़ सकता है। उन्होंने हाल ही में आधुनिक भारत के पिता राजाराम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर संयुक्ताश्रय में सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग द्वारा रंग मंदिर में जिला केंद्रीय पुस्तकालय बीदर और राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण के बारे में स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जत्थे में बात की। अध्यक्षता जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्य प्रवीण कुमार मीरागंजकर ने कहा कि छात्राओं को शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और सशक्त बनना चाहिए। डॉक्टर श्रेया महेंद्रकार ने अपना विशेष व्याख्यान देते हुए कहा कि एक महिला में ही सभी कष्टों को सहने की ताकत होती है। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और महिलाओं को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त होना चाहिए। इस अवसर पर अन्य लोगों ने भी बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने खाशमपुर पी में आयोजित श्री सदगुरु सचिदानंद स्वामी जी की नई मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में ग्राम प्रधानों के साथ बैठकर विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने 4 से 8 दिसंबर तक होने वाले श्री सदगुरु सचिदानंद स्वामी जी यात्रा महोत्सव के संबंध में चर्चा की और मंदिर निर्माण कार्य व यात्रा की तैयारी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभिन्न गुरु और स्वामी जी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। कानूनी लड़ाई के लिए तैयार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मंगलवार को अच्छे परिणाम के बारे में विश्वास व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य का रुख उचित है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में है और 30 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले मामले के मद्देनजर राज्य के कानूनी पैनल मुकुल रोहतगी में वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ चर्चा करके कहा कि मैंने सीमा विवाद पर रोहतगी से मुलाकात की है। बोम्मे ने कहा, महाधिवक्ता ने चीजों की जानकारी दी, मैंने भी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा की और हमने कानूनी स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने मुझे बताया कि कल के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 26/11 मजाकिया नहीं था, इस देश में एक मुसलमान होना और यह सब रोज सामना करना अजीब बात नहीं है। एक मुस्लिम छात्र ने एक लेक्चरर से कहा जिसने उसे एक आतंकवादी के नाम से बुलाया था। कक्षा में आतंकवादी के नाम से बुलाने पर अपने लेक्चरर से भिड़ने वाले छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 45 सेकंड के वीडियो में नीले रंग का कुर्ता पहने छात्र क्लासरूम में लेक्चरर से सवाल करता नजर आ रहा है। यह घटना कर्नाटक के उडुपी जिले के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि उसने जांच शुरू कर दी है और लेक्चरर को जांच पूरी होने तक क्लास लेने से रोक दिया है। वीडियो की शुरुआत छात्र के यह कहने से होती है, आप मेरे धर्म के बारे में मजाक नहीं कर सकते, वह भी इतने अपमानजनक तरीके से, जिस पर लेक्चरर जवाब देता है कि छात्र बिल्कुल उसके बेटे जैसा है। छात्र आगे कहता है कि अगर उसके पिता ने ऐसा कुछ कहा होता तो वह उसे मना कर देगा। वह आगे कहते हैं कि 26/11 के मुंबई हमले मजाकिया नहीं थे, यह अजीब नहीं है सर, 26/11 मजाकिया नहीं था। इस देश में मुसलमान होना और हर रोज यह सब सामना करना मजाक नहीं है। क्या आप अपने बेटे से ऐसे बात करेंगे? क्या आप उसे आतंकवादी के नाम से पुकारेंगे? हालांकि इसके बाद लेक्चर को माफी मांगते हुए भी सुना जा सकता है। No, no, no. You're just like my kid. No, no, it's not. This is not him.
No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. It's not fair. It is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No, no, no. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas, why, how can you call me like that? No problem. In front of so many people, in a class. Sorry, I told you. You're a professional, you're teaching. Yeah, sorry. You can't call me that. Sorry, I told you. Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा पर उंगली उठाने से पहले यह गिनना चाहिए कि उनकी पार्टी में कितने उपद्रवी हैं। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर चर्चा के लिए कानूनी विशेषज्ञों से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस में कितने उपद्रवी हैं यह सभी जानते हैं। सोमवार को बेंगलुरु में भगवा पार्टी के नेताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी देखे जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर असामाजिक तत्वों को भाजपा में प्रवेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि सामाजिक कार्य करने की आड़ में कई असामाजिक तत्व भगवा पार्टी में शामिल हो गए हैं। रविवार को बेंगलुरु में एक हानि रहित रक्तदान शिविर ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि शहर के पार्टी सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या ने खुद को एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड अपराधी साइलेंट सुनील के साथ मंच पर पाया, जो 30 से अधिक अपराधों में लिप्त है। उनकी भागीदारी ने विपक्षी दलों और उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों की आलोचना की झड़ी लगा दी। चामराजपेट की पूर्व भाजपा विधायक प्रमिला निसारगी ने कहा, चामराजपेट के लोगों का अपमान किया गया है और उन्हें यह देखकर दुख हुआ है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कुछ नेताओं द्वारा पार्टी का बचाव करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं इसकी निंदा करती हूं। कुछ नेताओं द्वारा पार्टी का बचाव करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं पार्टी के उन सभी लोगों की निंदा करती हूं जो इस तरह की कार्रवाई का बचाव करने का जोखिम उठाते हैं। अगर किसी को पार्टी की भलाई में दिलचस्पी है तो उन्हें इसका बचाव नहीं करना चाहिए। मैं इसमें भाग लेने वाले सांसदों की भी निंदा करती हूं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।9945283920 8482121297। स्वागत है आपका, देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक कर जीत के लिए
धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगने पर तंज कसा। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। खड़गे ने कहा कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या रावण की तरह उनके 100 सिर हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी नगरपालिका तक के चुनाव में कहती है मोदी को वोट दो, क्या मोदी यहाँ काम करने आएंगे? पीएम हर वक्त अपनी ही बात करते हैं, आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए के इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह आपके रावण के जैसे 100 मुख है क्या? कर्नाटका के कॉलेज में प्रोफेसर ने एक मुस्लिम छात्र की तुलना आतंकी कसाब से की, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम इतिहादुल मुसलमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कहा कि देश के हालात में जहर घोल दिया गया है, अल्पसंख्यक समाज के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूँ उस बच्चे का जिस तरह से उसने अपनी बात रखी। AIMIM प्रमुख ने कहा, बच्चे ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो हम सभी को करना पड़ेगा, यही मिजाज पैदा करना पड़ेगा। जो तुमसे तुम्हारा हक छीन रहा है उनसे आंख में आंख डालकर सवाल करना पड़ेगा, पत्थर मारने से हक नहीं मिलेगा। ओवैसी ने कहा, अपने मुकद्दर के फैसले करना शुरू करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू करेगी। जो आज तुमको आतंकवादी कह रहे हैं वो कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े रहेंगे और कहेंगे कि बोलो बॉस क्या आदेश है। उन्होंने कहा कि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में बांग्लादेश का विशेष स्थान है। भारत में नवनियुक्त बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान द्वारा सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की। राष्ट्रपति ने कहा, भारत बांग्लादेश संबंध भाषा संस्कृति और इतिहास से बंधे हैं और साझा बलिदानों में अद्वितीय संबंध है। राष्ट्रपति मुर्मू ने उल्लेख किया कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और मुझे वर्ष के संयुक्त समारोह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश भारत राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50वें वर्ष को भी याद किया। इस दौरान बांग्लादेश के राजदूत का उन्होंने स्वागत भी किया। भारत और बांग्लादेश के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने सितंबर में नई दिल्ली और बाद में लंदन में पीएम शेख हसीना के साथ अपनी बैठक के बारे में भी बताया। पटियाला जेल में पिछले 6.5 महीने से रोड रेस के मामले में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए नए साल का जनवरी का महीना खुशखबरी भरा हो सकता है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू नव वर्ष के पहले माह में समय से पहले रिहा हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू को जेल में उनके अच्छे आचरण के लिए गणतंत्र दिवस पर रिहा किया जा सकता है। जेल प्रशासन ने इस साल अच्छे आचरण के चलते जिन कैदियों की रिहाई के लिए नाम भेजे हैं उसमें सिद्धू का नाम भी शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ से 38 साल में पहली बार नारंगी रंग का चमकीला लावा निकला और राख के बड़े गुब्बारों को उठते देखा गया। अधिकारियों के हवाई के बिग आइलैंड पर रहने वाले निवासियों को हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार और सतर्क रहने के लिए कहा है। मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट से तुरंत तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय विज्ञान सर्वेक्षण ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले बिग आइलैंड के निवासियों को चेतावनी दी है कि लावा निकलने की गति तथा स्थान तेजी से बदल सकता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतार के फुटबॉल स्टेडियम में नोरा फतेह ने लगाए ठुमके, खूब वायरल हो रहा वीडियो। अब समाचार खेल जगत के। फीफा वर्ल्ड कप, कैमरून ने पिछड़ने के बाद अबुबाकर के गोल से सर्बिया को 3-3 से ड्रॉ पर रोका। आखिर में समाचार बाजार की। व्हाट्सएप पर खुद को ही भेज सकेंगे मैसेज, भारत में लॉन्च होने जा रहा है मैसेज योरसेल्फ का शानदार फीचर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी देश आगे बढ़ सकता है, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। खाशमपुर में एक सदगुरु सच्चिदानंद स्वामी जी मूर्ति की स्थापना, विधायक बंडप्पा खाशमपुर शामिल हुए कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीएम बोम्मई ने कहा, सीएम विवाद पर कर्नाटका का रुख जायज, अच्छे नतीजे का भरोसा।
कॉलेज के लेक्चरर ने मुस्लिम छात्र को बताया आतंकवादी, छात्र ने सुनाई खरी खोटी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कांग्रेस पहले अपने गुंडों की गिनती करे। आपके रावण के जैसे सौ सिर है क्या, पीएम मोदी पर तंज कस के फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। मुस्लिम छात्र को प्रोफेसर ने कसाब कहा तो भड़के हो वैसी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।